गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या जायसवाल। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आपका। आज मैं आपसे एक बहुत बेहतरीन सुपर फूड के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि न्यूट्रिशन में तो बहुत ही अच्छा है लेकिन टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए बिना वीडियो को लेट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूर मैं बात बीच में बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सा सुपर फूड लॉन्च हुआ है रिसेंटली मोदी केयर में, जो कि बेहतरीन सुपर फूड बन चुका है और ब्रेकफास्ट और स्नैकी आइटम के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ किनोआ की। जी हाँ, मैं सोल फ्लेवर का किनोआ की बात कर रही हूँ। किनोआ अपने आप में एक बेहतरीन सुपर फूड है और अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पैकेट के ऊपर क्या जानकारी लिखी हुई है। पैकेट के ऊपर जो जानकारी है उसके मुताबिक सोल फ्लेवर किनोआ जो है ये ग्लूटन फ्री है, ये हाई इन प्रोटीन है, इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल 9 एसेंशियल इमीनो एसिड्स, इट इज़ हाई इन डाइट्री फाइबर एंड विटामिन बी, इट हैज़ अ वेरियस मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करती है, इवन आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है। और आपको इससे फीलिंग रहेगी फुलनेस की, आपको ऐसा लगेगा आपका पेट भरा हुआ है जिस तरीके से। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके लिए एक हेल्दियर ऑप्शन है, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ एज अ स्नैक्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसके बारे में आपको और बहुत सारी डिटेल्स बताऊँगी। जैसा कि इसका 225 रुपये MRP है और ये 500 ग्राम का पैकेट है। अगर मेरा कैमरा पिक कर पा रहा है तो इस तरीके से जो यहाँ दिख रहा है छोटे छोटे दानों की तरह जो है इसका टेक्सचर है। और अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है और इसमें एग्जैक्टली जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किनोआ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्यों है ये वेट लॉस के लिए हेल्पफुल? क्योंकि इट इज़ रिच इन हाई फाइबर, ये बहुत अच्छी हाई फाइबर डाइट है। आप इसको ब्रेकफास्ट में अगर लेंगे तो पूरा दिन आप इसमें एनर्जी फील करेंगे और साथ ही साथ आपको वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इसे डेली अपनी किसी भी एक मील में, और हो सके तो डेली आप इसको ब्रेकफास्ट में ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको 1 मंथ से ही जो है इसके वेट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही ये डाइजेशन में बहुत अच्छा है। डाइजेशन में इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, यानी जिसको कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके बहुत बेटर कर देगा अगर आप इसे डेली अपनी डाइट में ऐड करते हैं। तो थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, यानी जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, बैलेंस करता है, तो आपके लिए ये एक बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से मैनेज करता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों को अनीमिया है, खून की कमी है, उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप इसको अपना डेली ऐड करते हैं डाइट में तो डेफिनेटली आपको खून की कमी से जो प्रॉब्लम है, आपको आपकी बॉडी में खून की कमी है उसको पूरा करने में भी आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको बोन्स में, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथन करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा है, यानी कि आपके दांतों को और आपके बॉडी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्विनोआ एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी क्वांटिटी में है और आपके ये स्किन इश्यूज़ को भी ठीक करने में बहुत अच्छे से मददगार है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है, तो आपके स्किन इश्यूज़ को या स्किन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत मददगार है किनोआ। साथ में आपको बताना चाहूँगी, आपकी स्किन को ये नेचुरल ग्लो भी देगा, एंटी एजिंग साइन से भी
बहुत इजीली आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इसको अपना डेली डाइट में ऐड करते हैं। इसमें 9 एसेंशियल इमिनो एसिड्स हैं और बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट का। इसमें मैग्नीशियम एंड मैग्नीस भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में एडेड है। और इसके बारे में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगी कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी एडेड है। तो अगर आपके स्किन, आपके हेयर से रिलेटेड भी मुझे लगता है कोई भी इश्यूज आपको हो रहे हैं, उसमें भी ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। ओवरऑल ये एक सुपर फूड है, एक बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में हाई फाइबर है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, जो वेट लॉस के इच्छुक हैं उनके लिए भी बहुत मददगार है। तो किनोआ एक सुपर फूड है। आइए अब मैं इसको अनपैकिंग करके, टेस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त है और किस तरह बनाएंगे वो रेसिपी भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। अब मैं इसका लेकिन टेक्सचर कैसा है या दिखने में कैसा है इसको अनपैकिंग करके मैं दिखाऊँगी और इसकी पैकिंग के बारे में भी आपको ज़रूर बेनिफिट्स बताऊँगी। ये बहुत अच्छी पेपर पैकिंग की तरह है, इसमें बिल्कुल भी जैसे प्लास्टिक पैकिंग नहीं है। और यहाँ से मैं इसको कट करूँगी, यहाँ पे ऊपर आपको मार्क दे रखा है आपको कहाँ से कट करना है। देखिए इसके अंदर एक तरीके से जिप लॉक काइंड ऑफ पैकिंग है जिसको आप यूज़ करने के बाद आप वापस से सील पैक कर सकते हैं। तो ये इसका जो है पैकिंग का बहुत बेस्ट पार्ट है कि इसमें जिप पैकिंग है तो ये वापस से लॉक हो जाता है। तो इसको स्पिल होने का कोई ख़तरा नहीं है, वेस्ट होने का कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप इसे किसी कंटेनर में डालना चाहते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें जिप लॉक पैकिंग है। चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको किनोआ दिखता किस तरीके से है। ये इस तरीके से छोटे छोटे दानों में है जो कि ऑफ वाइट, आई वोंट से वाइट, ऑफ वाइट या थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर्ड के कलर में है। अगर मेरा कैमरा इसको अच्छे से पिक कर पा रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरीके से। हाफ केजी की पैकिंग है और अगर आप मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वैसे इसका MRP जो है 225 रुपये है और इसमें लिखा भी हुआ है फ्लेवर लॉक्ड गारंटीड रीसील टू कीप फ्रेश। तो आपके लिए ये पैकिंग भी एक इसमें बहुत आपके मददगार है कि इसको हमेशा फ्रेश रखेगी। और इसके पीछे यहाँ पे ऑल्दो आपको कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको हम बनाते किस तरीके से हैं। मैं एक पिक्चर भी आपको यहाँ पे शो कर दूँगी कि किस तरीके से बनाने के बाद ये दिखता कैसे है। और साथ में आपको बता देती हूँ कि ये जिस तरीके से हम पोहा बनाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करके, सिर्फ उसी तरीके से ये ऐड होगा। बस इसको स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, किनोआ को किसी आप एक बर्तन में लेके बहुत अच्छे से वॉश कर ले और एक पैन में, अगर आपने 1 कप ये लिया है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 कप आप वाटर ले ले। इस जो है इस अंदाजे से आप पानी डालकर इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट के लिए गैस को सिम करके इसको थोड़ा सा बॉयल होने दे, इसको पकने दे। 10 से 15 मिनट बाद आप उस पैन से उस वाटर को रिंस कर दे और जो किनोआ है जब आप वेजिटेबल्स सॉटे कर लेंगे जिसमें आप मटर, बीन्स, कैरेट, जो जो आपको वेजिटेबल्स ऐड करनी अच्छी लगती है उसमें सॉल्ट, पेपर और रेड चिली, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, जो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं वो सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करके उसके बाद जो आपने कुक कर लिया है पानी में उस किनोआ को उसका वाटर ड्रेन करके आप उसमें वेजिटेबल्स में डाल दें और हल्का सा उसको चला लें 2 से 3 मिनट, तो आपका किनोआ का पोहा रेडी है। एंड टेस्ट में इट इज़ सो गुड। आप इसको मतलब जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको इसकी बेस्ट क्वालिटी बता नहीं सकती। आप इसको टेस्ट करें अपने डे टू डे लाइफ में, इसको जगा दें किनोआ को, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की फुल डिटेल्स किनोआ की। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं और जल्दी आएंगे नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।